कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहता है, यूज ए कोलाइड डिवीजन लेमा टू सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत हल्का सा, तो ये बात समझते हैं पहले। पिछले सवाल में क्या लिए थे, b जो था सीधे उसे मान लिए थे, है ना। तो ये पिछले सवाल से अगर देखा जाए तो b क्या होना चाहिए, 9। अगर b 9 हुआ तो r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, r इतने हो जाएंगे, है। और अगर इतने r हो गए तो हम कितनी कंडीशन लेके सॉल्व करेंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, 8 तक जाएंगे और 9 बार करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है क्यूब, और 9 का क्यूब भी करें तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखो किसी भी सवाल को करने के लिए कई तरीके होते हैं, है ना। अगर एस सी एफ देखा जाए तो एस सी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो लेमा की जरूरत क्यों पड़ी, तो लेमा बड़े नंबर के लिए क्या। ऐसे ही इस सवाल को हम दूसरे मेथड से करते हैं, यूज लेमा ही करेंगे, मेथड कुछ और यूज नहीं करना है, बस हम बी थोड़ा सुटेबल मान लें, बी थोड़ा सुटेबल मान लें। हम बी मानेंगे 3। 3 क्यों मानेंगे, ये तो छोटा है, 3 लेंगे तो आर क्या क्या आ जाएगा, आर क्या आएगा उसमें, अगर 3 लेंगे आर आएगा 0, 1, 2, बस ये 3 आएगा, 3 तो हो नहीं सकता। और अगर 2 लेते तो क्या होता, एक अंतर होता है, पहले को बताते 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27, इसमें 9 बाहर आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है और हमें हर जगह 9 चाहिए, ठीक है ना, इसलिए 3 लिया गया। अगर 2 लेते, अगर ये हम सोच रहे हैं कि b को 2 माने तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8, तो इसमें से 9 कैसे कॉमन लोगे, कहीं 9 नहीं आ सकता, इसलिए 2 नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, b इक्वल टू 3। तो बहुत आसान है, चलो सॉल्व करते हैं, सब पूरा करते हैं, आज खत्म करते हैं साइज को। तो ये कह रहा है, तो यहाँ करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो b को हमने क्या लिया, b इक्वल टू 3, तो अप्लाई इक्लाइड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू 3q प्लस r, जहां r की वैल्यू क्या है, दैट इज r इक्वल टू 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, ये हमारा हो गया r, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं, व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, ये तो हुआ, तो 0 में जो तो है नहीं, हटा देते हैं, जब तो लिखे रहो, उसके बाद में लिखा हुआ क्यूब, क्या करना है, क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे अगर, तो a क्यूब भी होगा और इधर भी क्यूब होगा, और ये क्यूब होके क्या बनेगा, 27, क्यूब क्यूब करना आता है ना सबको, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27, ठीक है, क्यूब हो गया, वैसे क्यूब हो गया। अब इस 27 में से हम 9 कॉमन लेंगे, 27 क्या होता है, 9 × 3 27 होता है ना, 9 × 3 = 27, यहाँ 9 हमें चाहिए तो 9 कॉमन ले लें, बचा क्या 3q, बचा हमारा क्या 3q। इसमें से इसको क्या ले सकते हैं, m, क्यों m लिखने के लिए, हमें m के फॉर्म में चाहिए, हमें इसे m के फॉर्म में चाहिए, इसलिए m लिख देते हैं। हालांकि ये सब इंटीजर होता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या लिख रहे हैं, है ना, यहाँ जो लिखा है उसे लिखते हैं, वेयर m इक्वल टू 3q, ठीक, समझ आया। ये पहली कंडीशन के लिए थे, नोट कर लो, क्योंकि दूसरी कंडीशन r इक्वल टू 1 और 2 अभी बाकी है, उसे करते हैं, है ना, इसे नोट कर लो, फिर से
तो अब वेन आर इक्वल टू वन, जीरो के लिए हो गया था, तो ए इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन क्यूब करा जाए, तो होल क्यूब होता है हमेशा, एक पर नहीं कि थ्री पे क्यूब वाला जाए, वन पे क्यूब वाला जाए, ऐसा कोई रूल नहीं होता। अगर आप ऐसे कोई प्लस माइनस में हैं तब भी तो पूरे होल पे क्यूब आएगा, ठीक है। अब हमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये जो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, वो यहाँ अप्लाई करते हैं, यानी पहला टर्म का क्यूब ए क्यूब जहाँ लिखा हुआ था यानी इसका, प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए का स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, फिर वन मल्टीप्लाई में प्लस थ्री पहला ए और बी का स्क्वायर यानी यहाँ पर सॉल्व किए तो ये कितना हो गया 27 क्यूब प्लस वन, ये क्या हुआ, ये नाइन हो जाएगा, थ्री थ्री नाइन, और नाइन प्लस थ्री कितना हुआ, नाइन प्लस थ्री 27, ये भी 27 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वन, मतलब वही हो गया, ये क्या हुआ, ये हुआ थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन क्यूब और मल्टीप्लाई वन, वही हो गया। अब इस किस फॉर्म में आ सकता है, देखो ये वन वाले फॉर्म में, यहाँ प्लस वन है, यहाँ पे वन है, तो वन के उधर ले आते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो 27 क्यूब प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब इतने में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लिए तो 9, 9 थ्री जा यहाँ भी 3 स्क्वायर हो गया, और यहाँ बचा क्या क्यूब, 9 तो बाहर चला गया, तो ये हो गया 9m प्लस 1, वेर ये पूरा हमारा क्या हो गया m, m इक्वल टू 39 क्यूब 39, तो हम 9 ही कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 9 हमें यहाँ चाहिए, और कुछ नहीं कॉमन लेंगे, ठीक है ना, और कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया, तो जल्दी से इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, क्यूब करें दोनों तरफ, फिर यहाँ पे होल क्यूब होगा, अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर, ये हुआ ना, तो फिर ये तो 27 हुई है, इसमें क्या है 27 क्यूब, ये 3 का क्यूब कितना होता है 8, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 कितना होगा 8, है ना, ये 9, 9 थ्री जा 27, और 27 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हुआ, ये स्क्वायर है ना, इस पर स्क्वायर है, तो ये होगा 3 थ्री जा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27, और 27 मल्टीप्लाई 2 वो कर लेते हैं, 4 और ये 1 एक 5 54, तो यानी आया 54, और क्यूब पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, क्यूब पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आया क्यूब पे, प्लस ये आया 3 थ्री जा 9, और ये कितना होगा, ये है 4, 9 4 जा 36, इस क्यूब पे कुछ नहीं है यानी ये ऐसे आ गया। अब ये किस फॉर्म में जा सकता है, ये जा सकता है प्लस 8 वाले फॉर्म में, जो कि यहाँ प्लस 8 है, तो हम प्लस 8 को अलग कर लेते हैं, बाकी इसको अलग रखते हैं। अब ये हमारा इसमें से हमें लेना है 9 कॉमन, इसमें से क्या लेना है 9 कॉमन, तो इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, तो 27 से तो 9 कॉमन आ ही सकता है ना, ये तुम जानिएगा इसमें कितना कॉमन आएगा, ये बचेगा 9, तो बचेगा 3 क्यूब। 54 क्या होता है, देखो 9 से किसको मल्टीप्लाई, 9 6 का कितना होता है 54, 9 6 का 54, तो 9 बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर 6 स्क्वायर, और 9 4 का कितना होता है 36, 9 बाहर आ गया तो 4, ओके प्लस 8, फिर इसे क्या लिखें 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये आ गया हमारा। लास्ट में हमें क्या लिखना होगा, लास्ट में वही हमें लिखना होगा, देयरफॉर द क्यूब
द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म, पूरा ये ना यहाँ तक लिख डालना हमें, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। चलो ये सवाल हो गया, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है, डाउट हो तो कमेंट करो, डाउट ना हो तब भी कमेंट करो, जो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो मेरे दोस्तों में, ताकि हमें पता चले तुम देख रहे हो, हमें मोटिवेशन भी जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।